आपकी मौजूदगी महसूस हो रही है। मुझ में आपका ही खून है। मेरी पुकार सुनिए मेरे मालिक, मेरे आका यूनिक्रॉन। कौन है जिसने मुझे पुकारा? आपका वफादार गुलाम मेगाट्रॉन, डिसेप्टिकॉन्स का लीडर, आपकी सेवा में हाजिर है। मैं वो हूँ जिसने डार्क एनर्जॉन को खुद में समाया और आप जागृत हो गए। भविष्यवाणी सच हुई। अब हम दोनों अपने अधूरे ख्वाब पूरे करेंगे मिलकर। इस प्लेनेट पर आपकी हुकूमत होगी जिसे मैं आपके लिए चलाऊंगा। मूर्ख कहीं के, तुमने मेरे रक्त को स्वयं के भीतर डालने का साहस कैसे किया? मैं तुम्हारे कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा से जागा हूँ। मालिक, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। शांत मूर्ख, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मत कहिए, मेरी जिंदगी का मकसद आपकी सेवा है। ये पहचानी सी गंध है, जरूर किसी प्राइमस की गंध है। यहाँ कैसे? ऑप्टिमस यहाँ आया था, वो आखिरी प्राइम है, मेरा जानी दुश्मन। अगर तुम मेरे सच्चे सेवक होते तो प्राइम को कभी जीवित नहीं छोड़ते। मैं उसे जल्द खत्म कर दूंगा, वो आपके कदमों में होगा। रींगे हांकना बंद करो। अगर तुम में प्राइम का विनाश करने की क्षमता होती तो तुम उसे खत्म कर चुके होते। उससे तो मैं खुद ही निपटूंगा। रैचेट, बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ की जमीन काफी स्थिर है। ये इलाका कच्चे धातु से भरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि पृथ्वी का कुदरती धातु कुछ और नहीं बल्कि यूनिक्रॉन के ही शरीर का हिस्सा हो। मतलब सच में उसने अंगड़ाई ली थी जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आए? ऑप्टिमस, यूनिक्रॉन की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। घबराओ मत रैचेट, मैं होशियारी से आगे बढ़ूंगा। क्या तुम मुझे पहचानते हो प्राइमस के वंशज? यूनिक्रॉन, तबाही का बादशाह। बहुत अच्छे। अब ये यूनिक्रॉन तुम्हें तबाह करने वाला है। पहले मेरी दरख्वास्त सुन लीजिए लॉर्ड यूनिक्रॉन। ऐसा क्या है जिसे कहने के लिए एक प्राइम विनती कर रहा है? मेरी ये दरख्वास्त अपने लिए नहीं बल्कि इस प्लैनेट के लिए है जो आप पर बना है, और यहाँ बसने वाले इंसानों के लिए भी जिनकी जिंदगी सिर्फ आप पर निर्भर है। हर चीज के लिए। आपके उठने से इंसानों की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, जिसका बीज और कोई नहीं आपकी महानता है। ये इंसान जिसकी तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे अनुसार ये मेरी संतानें हैं? बेशक। वो कीड़े मकोड़े तुम्हें समाप्त करने के पश्चात उनका भी विनाश करूंगा। मेरी गैर हाजिरी में प्राइम शक्तिहीन हो गए थे क्या? अब तुम भी जीवित नहीं रह पाओगे। वो दिन भी कभी ना कभी तो आएगा ही, लेकिन आज वो दिन नहीं है। वंशज, मरोगे तो आज ही, क्योंकि तुम्हारा युद्ध एक नहीं अनेक यूनिक्रॉन से होगा।